इवोल्यूशन यानी विकास, इस ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, हमारी आकाशगंगा कैसे बनी, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हम इस धरती पर कैसे आए, यह एक रहस्य है। वैज्ञानिकों की परिकल्पना के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व बना था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी भयंकर विस्फोट द्वारा हुई थी, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इस विस्फोट के फलस्वरूप सैकड़ों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसे आकाशगंगा कहा जाता है। हम आज अपनी पृथ्वी को जिस रूप में देखते हैं, शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी। वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के अनुसार पृथ्वी लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले का है। लगभग इसी समय ही पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का निर्माण एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य से आसपास घूर्णन करते हुए गैस तथा डस्ट के सम्मिश्रण से हुआ है। पृथ्वी में सेंट्रल कोर, रॉकी मेटल तथा एक सॉलिड क्रस्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 बिलियन वर्ष पहले हमारी धरती का ज़्यादातर हिस्सा खौलते हुए लावा जैसा रहा होगा। बाद में जैसे जैसे लावा ठंडा होता गया, धरती के ऊपरी सतह का निर्माण होता गया, तब से पृथ्वी के जैवमंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफ़ी परिवर्तन किया है। ये गर्म वाष्प ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करने लगे तथा लाखों वर्षों तक धरती पर लगातार वर्षा करे, जिससे पृथ्वी की निम्न सतह जलमग्न हो गए और इस प्रकार सागर और महासागर अस्तित्व में आए। समय बीतने के साथ ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक सौर विकिरण को रोककर इसे रहने योग्य बनाया। आधुनिक प्राकृतिक वाद के अनुसार जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई। जल में सबसे पहले रासायनिक पदार्थों के संयोग से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ये यौगिक अन्य यौगिकों से क्रिया करके जटिल अणुओं में परिवर्तित हुए। इन जटिल अणुओं में जीवन के लक्षण विद्यमान हुए। द्विविखंडन द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसे वायरस, इनके अंदर का पदार्थ जीवद्रव में बदल गया। जीवद्रव के चारों ओर जीवद्रव कला का निर्माण हुआ। इस प्रकार जल में सूक्ष्म एककोशिकीय सरल जीवों का रूप प्रकट हुआ। जल में सीमित कार्बनिक भोज पदार्थों के कारण कुछ जीव कोशिकाओं में क्लोरोफिल यौगिक का विकास हुआ, जिससे इनमें सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता आ गई और ये स्वयं प्रकाशीय ऊर्जा से अपना भोजन बनाने लगे। अनेकों एककोशिकीय शैवाल इसके परिमाण हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ एककोशिकीय सरल जीवों में धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ने लगी, फलस्वरूप बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। जलीय वातावरण में जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती गई, भोजन एवं आवास के संघर्ष से कुछ जीव स्थल पर आ गए। यहाँ स्थलीय वातावरण के अनुसार उनकी रचना एवं स्वभाव में परिवर्तन होने लगा और इनमें जटिलता बढ़ने लगी। इस प्रकार ये जलीय से स्थलीय जीव बन गए। जो जीवधारी अपने आप को परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित न कर सके, वे विलुप्त होने लगे। जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कर लिए, वे विकसित होते गए और अपने पूर्वजों से भिन्न दिखाई देने लगे, जिन्हें नई जाति की संज्ञा दी गई। विकास की प्रक्रिया मंद लेकिन निरंतर चलती रहती है। जातियों के विकास में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आज हम समझेंगे क्रम विकास क्या है। इसे समझने के लिए हमें एक जीव का एग्जाम्पल लेना होगा। कोई भी जीव जब जन्म लेता है, उससे पहले वह एक कोशिकीय सरल जीव होता है। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप वह जटिल जीव में बदल जाता है और लगातार उसकी बनावट में परिवर्तन होती रहती है। इस क्रिया को ही हम क्रम विकास कहते हैं। अर्थात
प्रारंभिक सरल जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप जटिल जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्रम विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग क्या है। इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। जैसे पशुओं के पंख उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं और घोड़े की अगली टांगे दौड़ने के लिए, दोनों की बनावट समान है। पशी की पंख पशी की अग्रभुजा होती है तथा घोड़े की अगली टांगे भी अग्रभुजा हैं। उत्पत्ति एवं रचना दोनों ही समान है, लेकिन कार्य दोनों का अलग है। पशी पंख की सहायता से उड़ता है, लेकिन घोड़े अगली टांगों की सहायता से दौड़ते हैं। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं, अर्थात वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना समान परंतु कार्य भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवृत्ति अंग क्या है। संवृत्ति अंग समजात अंग का ठीक उल्टा होता है। इसमें अंगों की उत्पत्ति एवं रचना भिन्न होती है, लेकिन कार्य समान होते हैं। जैसे कीटों के पंख और पक्षियों के पंख संवृत्ति अंग है। कीटों के पंख काइटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं, इनमें अस्थियों का कंकाल नहीं होता, जबकि पक्षियों के पंख उनकी अग्रभुजा होती है। दोनों की उत्पत्ति एवं रचना अलग अलग है, लेकिन दोनों के कार्य समान है। ये दोनों अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। ऐसे अंगों को संवृत्ति अंग कहते हैं, अर्थात वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना भिन्न परंतु कार्य समान होते हैं, उन्हें संवृत्ति अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग तथा संवृत्ति अंग में अंतर स्पष्ट करो। तो चलिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले दो बॉक्स बना लेते हैं, समजात अंग और संवृत्ति अंग। तो पहला अंतर है, समजात अंगों की उत्पत्ति तथा मूल रचना समान होती है, जबकि संवृत्ति अंगों की उत्पत्ति तथा मूल रचना भिन्न होती है। दूसरा अंतर है, समजात अंग के कार्य भिन्न होते हैं, जबकि संवृत्ति अंगों के कार्य समान होते हैं। नेक्स्ट अंतर है, समजात अंगों से संबंधित जंतुओं से प्रमाणित होता है कि इनके पूर्वज एक ही थे, जैसे पशुओं का अग्रबाहु तथा मनुष्य की भुजा, जबकि संवृत्ति अंग इन अंगों में प्रमाणित होता है कि इन जीवों के पूर्वज भिन्न भिन्न थे, जैसे कीटों तथा पशुओं के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। अधिकांश जंतुओं में कुछ ऐसे अविकसित अंग पाए जाते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसे अनावश्यक एवं अविकसित अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं, अर्थात वह अंग जो अल्प विकसित एवं कार्य रहित हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह मनुष्य का एक अवशेषी अंग है, किंतु शाकाहारी जंतुओं जैसे खरगोश, बंदर, गाय आदि में सेलुलोज के पाचन के लिए भलीभांति विकसित होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य का विकास शाकाहारी जंतुओं से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म प्राचीन जीवधारियों के चट्टानों पर अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स। जीवाश्म चार प्रकार के होते हैं। एक नंबर, अश्मीभूत जीवाश्म। इसमें सजीव के संपूर्ण शरीर का ढांचा ज्यों का त्यों पाया जाता है। इसमें मृत जीव के कठोर भागों जैसे कवच, अस्थि या वाह कंकाल के बने होते हैं। इसमें चूना, सिलिका आदि खनिज पदार्थ भर जाते हैं और पूरा शरीर कड़ा होकर पड़ा रहता है। दो नंबर, सांचा जीवाश्म।
इस प्रकार की जीवाश्म में जंतु के शरीर का कोई भी भाग सुरक्षित नहीं रहता है, केवल उनकी आकृति समुद्र या नदियों के तलछट में बैठकर सांचों में बदल जाती है। इसमें जंतु के शरीर की वह रचना का सांचा बन जाता है, परंतु सांचे में सजीव के शरीर के स्थान पर खनिज लवण भर जाते हैं, जिससे वह कठोर हो जाते हैं। इस जीवाश्म से प्राणी की वह आकृति का अध्ययन होता है। 3. छाप जीवाश्म। इसमें मृत सजीव के शरीर की छाप चट्टान पर अंकित होती है। 4. अपरिवर्तित जीवाश्म। इसमें जीवधारियों का पूरा शरीर बर्फ में पूर्णतः सुरक्षित रहता है और पूर्ण जीवाश्म बनाता है।